हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में भी आपके लिए मैं एक ऑटोकैड की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ जो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं और आपको बहुत जरूरत पड़ती है उस चीज की। तो वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि जब भी आपके प्रोजेक्ट में कोई टेक्स्ट होता है और वो आपको उसे सर्कल से या रेक्टेंगल से या स्लॉट से कवर करना होता है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो ये आप किस तरीके से कर सकते हो, किस कमांड से आप कर सकते हो एक परफेक्टली अगर आपको कवर करना है। नॉर्मली हम सर्कल और रेक्टेंगल तो बना सकते हैं, बट अगर इस तरीके से अगर हमें कवर करना है परफेक्टली कि ऑफसेट बिल्कुल परफेक्ट आए, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे फर्स्ट जैसे सर्कल का हमने किया हुआ है, सेकंड उसमें स्लोट हमने किया हुआ है, और थर्ड उसमें रेक्टेंगल पे हमने किया हुआ है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सर्कल को कवर करने की, तो इसके लिए आपको कमांड यूज करनी है टी सर्कल, शॉर्टकट है टी सी आई एंटर। आप यहां पे प्रेस करें टी सी आई और एंटर, तो आपके पास टी सर्कल की कमांड सेलेक्ट हो जाती है। और यहां पे सबसे पहले पूछते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। मान लो मैंने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए कि इनको मुझे सर्कल से कवर करना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक छोटा है, एक फिर दूसरे वर्ड है, फिर बड़ा है, फिर फोर वर्ड है, फिर फाइव है, फिर सिक्स वर्ड है, इस तरीके से वर्ड है। इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपने कर लिया, अब आप एंटर करो। अब आपसे पूछता है एंटर डिस्टेंस ऑफसेट फैक्टर। अब डिस्टेंस ऑफसेट फैक्टर क्या होता है कि इस ये कोई सर्कल का रेडियस नहीं है, ये है कि आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कितने ऑफसेट से वो आपका क्लियरली वो कवर करे। आप इसे 0.35 ही रखें बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आप बढ़ाना चाहोगे तो सिंपल क्या होगा, जो आपका सर्कल है उसका रेडियस और बढ़ जाएगा। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। मान लो मैं बाय डिफॉल्ट 0.35 रखता हूं और अब मैं करता हूं एंटर। एंटर करने के बाद आपसे ये पूछता है कि सर्कल चाहिए, स्लॉट चाहिए और रेक्टेंगल चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल्स की, तो सर्कल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्कल्स पे क्लिक करेंगे या फिर आप क्या नाम है सी एंटर करोगे, तो आपका यहाँ पे अगर आपका ये ओपन है डायनेमिक इनपुट तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अगर डायनेमिक इनपुट ऑफ है आपका, तो आप डायरेक्टली यहीं पे आप कमांड लाइन में कर सकते हैं। तो मैंने सर्कल्स पे क्लिक किया, अब ये बोला क्रिएट सर्कल्स ऑफ कॉन्स्टेंट या वेरिएबल्स। अब दो ऑप्शन आते हैं, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। मान लो मैंने कॉन्स्टेंट किया, सी प्रेस कर सकते हो या फिर इस पे क्लिक कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो कॉन्स्टेंट सर्कल आया। अगर मैं इसको हल्का सा मूव करके दिखाऊं, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया मूव, कॉन्स्टेंट का मतलब है कि सभी सर्कल का साइज एक जैसा होगा। अब सर्कल का साइज किसके अकॉर्डिंग होगा, जो टेक्स्ट आपका सबसे बड़ा है उसके हिसाब से आपका टेक्स्ट का जो साइज होगा। अब आपने सारे टेक्स्ट वन टाइम में सिलेक्ट किए थे, तो इनमें सबसे बड़ा वर्ड ये था, तो जितना इसका रेडियस है सबका रेडियस उतने उसने उतना किया है। अगर मैं चेक करूं रेडियस को, तो मैं क्विक डायमेंशन से चेक करता हूं, क्यू डी एंटर, सभी को सिलेक्ट करो एंटर, और रेडियस के लिए आर एंटर किया, तो मैं क्लिक करता हूं। तो अगर आप यहां पे देख पाओगे, अभी मैं इसको मूव करता हूं सर्कल को, तो 6.78 सबका आपका रेडियस है यहाँ पे। तो जो सबसे बड़े सर्कल का रेडियस है उसी के अकॉर्डिंग इसने सेलेक्ट किया। अगर मैं ऐसा करूं यहाँ पे कि टी सी आई एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और मैं इन चार को ही सिलेक्ट करूं एंटर, अब सबसे बड़ा वर्ड इसमें ये है, तो ये क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा। 0.35 का स्केल फैक्टर लिया, सर्कल पे क्लिक किया, कॉन्स्टेंट पे क्लिक किया, तो इसके अकॉर्डिंग किया। अब अगर मैं क्यू डी एंटर से इसको टेक्स्ट करता हूं, QD enter, R enter, तो ये रेडियस आ गया 4.9, जो सबसे बड़े का रेडियस है, समझ गए। तो ये होता है कि कॉन्स्टेंट आप कितना कर सकते हो, क्लियर है। अब अगर मैं अंडू करूं, तो जो ये डिस्टेंस है सबसे बड़े का, जो ये वाला डिस्टेंस है, इसने इसके अकॉर्डिंग लिया कि 0.35 का डिस्टेंस रहेगा इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं वो टी सी आई एंटर करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया एंटर, और जो 0.35 को मैंने 0.8 कर दिया मान लो एंटर, अब मैं सर्कल्स लिया कॉन्स्टेंट किया, तो अब आप देखो जो इसका ऑफसेट है ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया, जो सबसे बढ़ेगा ये वाला ना, और इसके अकॉर्डिंग जितने भी दूसरे थे सबका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने इसको सिलेक्ट कर सबको सिलेक्ट करके किया था, क्लियर है। तो सिंपल है कि आप सबसे पहले इसको बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया बाय डिफॉल्ट आप इसे 0.35 ही रखें, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। सर्कल्स पे क्लिक किया, कॉन्स्टेंट पे क्लिक किया, तो सबका कॉन्स्टेंट आ गया। बट अगर मैं दोबारा TCI एंटर करता हूं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूं, एंटर करता हूं, 0.35 पे एंटर किया, अगर मैं यहां पे सर्कल्स पे जाके वेरिएबल्स कर देता हूं, तो क्या होगा, वो जो टेक्स्ट का साइज है उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल करेगा।
साइज के अकॉर्डिंग लगेगा, अलग अलग टाइप के अलग अलग रेडियस के आपके सर्कल आ जाएंगे, वो ओनली एक सिंगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को कन्वर्ट करेगा। ये होता है आपका सर्कल्स के अकॉर्डिंग, अगर आपको टी सर्कल यहाँ पे क्रिएट करना है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं स्लोट की। अब स्लोट में देखो क्या है, मैंने यहाँ पे प्रेस किया टी सी आई एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, फर्स्ट रो सिलेक्ट की, एंटर 0.35 एंटर, एंड स्लोट्स पे क्लिक किया। स्लोट्स में भी दो ऑप्शन है, कॉन्स्टेंट या वेरिएबल। कॉन्स्टेंट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे है मिनिमम कॉन्स्टेंट स्लोट विड्थ हाइट एंड पॉथ। विड्थ का मतलब है अगर मैं विड्थ पे कॉन्स्टेंट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, विड्थ को इक्वल रखेगा। आप यहाँ पे देख पाओगे विड्थ सबकी इक्वल है, हाइट को वो डिफ्रेंशिएट कर देगा, हाइट को वो अलग अलग कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइट चेक करूं, मान लो मैंने इसकी हाइट चेक की, ये है आपकी 4.25, और इसकी हाइट अगर मैं चेक करूं ये है आपकी 4.3। क्लियर है? तो इसने हाइट को अलग अलग कर दिया बट जो आपकी विड्थ है वो इक्वल है सबकी। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें टी सी आई एंटर, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर 0.35, स्लोट्स कॉन्स्टेंट, और हाइट पे अगर मैंने क्लिक किया यहां पे तो वो हाइट को इक्वल रखेगा बट विड्थ को आपके वर्ड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। जिस टाइप का आपका वर्ड होगा उसी के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका एडजस्ट करेगा। अगर थर्ड नंबर पे मैं अगर जाता हूं, सिलेक्ट किया एंटर 0.35 स्लॉट, अगर मैं बोथ कर देता हूं तो विड्थ और हाइट को वो इक्वल रखेगा। सभी अब ये जितने भी स्लॉट है सभी बिल्कुल इक्वल साइज के स्लॉट है, इसमें कोई यहां पे डिफरेंशिएट नहीं है। अब आशा करता हूं ये चीज आपको क्लियरली समझ में आई होगी। TCI एंटर दोबारा किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर 0.35, स्लॉट्स में जाके अगर मैं अब वेरिएबल पे क्लिक करता हूं तो ये क्या करेगा, वो विड्थ को भी हाइट को भी उस वर्ड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा। वो सिंगल सिंगल वर्ड के अकॉर्डिंग उस चीज को अब एडजस्ट कर रहे हैं, उसमें मतलब विड्थ और हाइट किसी की भी इक्वल नहीं मिलेगी, सबकी आपकी अलग अलग मिलेगी। समझ में आ गया? होपफुली आपको समझ में आया होगा। सेम चीज आपका रेक्टेंगल में है कि अगर आप TCI एंटर करते हो यहाँ पे और यहाँ पे सिलेक्ट करते हो ऑब्जेक्ट को, एंटर 0.35, अगर आप रेक्टेंगल पे क्लिक करते हो, कॉन्स्टेंट करते हो, वही है विड्थ के अकॉर्डिंग करोगे, विड्थ को इक्वल रखेगा, हाइट को अलग अलग रखेगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर, और रेक्टेंगल पे जाके कॉन्स्टेंट पे हाइट पे क्लिक करोगे, हाइट को एडजस्ट करेगा, विड्थ को अलग अलग रखेगा, वर्ड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। और थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोथ करता हूँ रेक्टेंगल पे जाके तो वो सबको इक्वल रखेगा कंप्लीटली को। और अगर आप सिलेक्ट करके आप रेक्टेंगल पे जाके वेरिएबल पे क्लिक करोगे तो आपके वर्ड के अकॉर्डिंग उस चीज को एडजस्ट करेगा, तो जाके आपका कुछ इस तरीके से आपके स्लॉट्स यहाँ पे बन जाएंगे। सर्कुलर स्लॉट, सर्कुलर जो आपको राउंड यहाँ पे चाहिए स्लॉट में अगर चाहिए, और रेक्टेंगुलर आपको इसकी बाउंड्री चाहिए टेक्स्ट की, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। जब हम प्रेजेंटेशन का काम करते हैं या फिर हम अपना प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत जगह हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम उसको करना चाहें तो नॉर्मल सर्कल को तो हम एक साइज में तो कॉपी कर सकते हैं, बट उस टेक्स्ट के हाइट विड्थ को माइंड में रखते हुए और एक्यूरेट एक चीज बनाना, तो वो आप TCI एंटर से कर सकते हो, टी सर्कल से कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।